महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर मचा सियासी ड्रामा अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ चला है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में सरकार बनाने के लिए हलचल तेज हो गई है। तीनों पार्टियां एक के बाद एक मैराथन बैठक कर महाराष्ट्र सरकार की पूरी तस्वीर साफ करने में लगी हैं और एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रही हैं जिससे अगले 5 साल तक महाराष्ट्र में एक मजबूत सरकार बन सके। उद्धव ठाकरे ने गुरुवार रात शरद पवार से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पवार ने उद्धव से कहा कि उन्हें शिवसेना के सीएम से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पवार ने इसके लिए उन्हें समझाने की कोशिश भी की। इस दौरान बैठक में संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, जिन्होंने शरद पवार की बात का समर्थन किया। कौन बनेगा इस पर सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे? मैंने इतना ही कहा, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा और मैं इतना ही कहता हूँ, पूरी महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है और लाखों शिवसैनिकों की भावना है कि उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने और हमें विश्वास है वो हमारी भावना की आदर करें। उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो शिवसेना की तरफ से आप मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि पवार साहब ने खुद आपका नाम आगे किया है। आपकी है क्योंकि आप एक कद्दावर नेता हैं और इस मामले को लेकर आप सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं, शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं हमेशा मेरे पार्टी में बालासाहेब ठाकरे जी का एक शिवसैनिक बनकर ही काम किया है। हम सब चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब ही मुख्यमंत्री बने। पवार साहब ने भी आपका नाम आगे किया है। पवार साहब ने भी आपका नाम आगे किया है मुख्यमंत्री? ऐसा कुछ नहीं, हम रात को पवार साहब को मिले हैं, हम सब बैठे थे। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे साहब ही इस सरकार का नेतृत्व करें। दरअसल नए फॉर्मूले के मुताबिक शिवसेना का सीएम पूरे 5 साल के लिए होगा, जबकि एनसीपी कांग्रेस से एक एक डिप्टी सीएम बनेगा। सोनिया गांधी और शरद पवार दोनों का मानना है कि राज्य की कमान किसी अनुभवी नेता के हाथ में होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे के पास अभी राजनीतिक अनुभव नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस और एनसीपी नहीं चाहेगी कि उनके सीनियर नेता आदित्य के नीचे रहकर काम करें, लेकिन सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते। शुक्रवार को शिवसेना विधायकों के साथ हुई बैठक में भी सभी विधायकों ने एक सुर में इस बात की अपील की कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें, लेकिन उद्धव ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ये पद उन्होंने खुद के लिए नहीं मांगा, पर सीएम शिवसैनिक ही बनेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उद्धव सीएम नहीं बनेंगे तो वो कौन शिवसैनिक होगा जिसके सिर पर ये ताज सजेगा। सूत्रों की माने तो इस रेस में एकनाथ शिंदे और संजय राउत का नाम सबसे आगे चल रहा है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के बड़े नेता हैं और कुछ दिन पहले ही उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था, जबकि संजय राउत ने पहले दिन से ही महाराष्ट्र में सरकार बनाने की जिम्मेदारी संभाल रखी है। संजय राउत इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं, इसीलिए अगर वो मुख्यमंत्री बने तो हैरान करने वाली बात नहीं होगी। संजय राउत के नाम पर शरद पवार को भी कोई परेशानी नहीं होगी।